श्री विकास गर्ग आईएएस रजिस्ट्रार सहकारी बहुत पुराना वर्करां दे नाल इहनां दा रिश्ता ते जिहड़े लीडर अपने वर्करां मैं बेनती करदा कि कोशिश करो कि हर आदमी अपनी सीट ते बैठण दी कृपालता करे ताकि मदन जी दे पिंड जलालपुर असीं खोलिया इन्हां दे बड़ी पुरानी इन्हां दी मंग सी कि इत्थे कोऑपरेटिव बैंक की जिहड़ी ब्रांच खोली जावे और उस ब्रांच नूं खोलण लई इन्हां ने जिहड़ा अज दा उद्घाटन भी रखा और ब्रांच भी जिहड़ी है कि बड़ी तुसीं देखोगे अंदर जाके कि पूरी असीं जो अज दी डिमांड है उस तरीके की इत्थे ब्रांच तैयार करके उहनूं खड़ा किया और नाल ही इन्हां ने यह कहा कि जिन्ने भी इत्थे सरकारी जिन्ने फंड्स ने उन्हां दी इत्थे ब्रांच जिहड़ी उहदे च डिपोजिट किए जाणगे उहनां दा मैं धन्नवाद भी किया कि पूरे पंजाब दे विच जो कोऑपरेटिव लहर में मजबूत करना तो हर डिपार्टमेंट और हर जिहड़ा व्यक्ति है उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक साडा इंट्रस्ट भी बाकी बैंकों नालों ज़्यादा और इत्थे जिहड़ी कोई कहिंदे सीगे कि साडे कोल मुलाजमान की कमी है वो 300 मुलाजम भी असी रख लिया और हर ब्रांच असी मैनेजर और अकाउंटेंट जिहड़े आ वो भी कंप्लीट कर देण लगे हां साडे अगले महीने साडी इंटरव्यू 800 बंदे वो असी पूरे हर ब्रांच के 800 जिहड़ी ब्रांच है उन्होंने ना कोई मुलाजम की कमी होएगी ना कोई फैसिलिटी वालों कमी होएगी। ये जरूर है कि हुण असी जिदा दूसरे बैंक ने उन्हों वांगू प्रोफेशनली इनू चलाउण लगे हैं और नाल ही इनू RTGS वाले वो करके जो इंटर जिहड़े डिस्ट्रिक्ट जिहड़े बैंक है उन्हों भी असी अगले महीने तो लागू कर देण लगे। पहला एक जो पटियाले का बैंक से तो पटियाले ही अपना कारोबार कर सकता जी हूँ पटियाले वाला बैंक गुरदासपुर तक भी जी ट्रांजैक्शन कर सक मेरे ख्याल पटियाला जेल च दो आईया ने पटियाला जेल च दो आईया ने वो मेरे सुपरिटेंडेंट जेल ना हुई सी। देखो ये जी महामारी है ये जो कितने भी पता नहीं हूँ थोड़े चो किनू किसी हैगी है उस वे इमीजिएटली जिन्होंने खरीद जोड़े आते हैं उन्होंने असी बोस्टल जी जी लेडीज़ जी वूमेन जेल बनाई है वो उस वे कर दिता शिफ्ट तो बाकी जेडे उन्होंने कॉन्टैक्ट जोड़े उन्होंने पूरी पूरी इमीजिएटली उन्हों का जरा टेस्टिंग जी करवा दी वो तकरीबन सारे नैगेटिव आए। देखो ठेकेदारी इन्हों पहले 60 लाख तक इन्हों है कि तुम काम से लै सकते हो मैनू गुरदासपुर मिले थे जी 60 लाख जी ये साड़ी नहीं आती उन्होंने सानू मिलना असी EWD मिनिस्टर ने मीटिंग रखी है 1 करोड़ तक इन्हों की लिमिट वधाने ना ही उन्होंने ये भी मैं कहा काम अगे आओ सोसाइटियां जिहड़ियां ने उन्हां दा जे कोई पुराना देखिए तो वह कोई बहुत वधिया परफॉर्म नहीं कर सके 10-15 साल पहला जिहड़ियां सोसाइटियां सीगियां इन्हां बहुत वधिया परफॉर्म किया सी। मैं फिर चाहुंदा कि जिहड़ियां सोसाइटीज़ ने इन्हां नूं पैरां ते लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी नूं पैरां ते खड़ा किया मैं तो यह तो तुहानूं ना मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि तुसीं मैनूं पुछण दी बजाय बादल साहब नूं जरूर किस दिन सवाल करो कि जिहड़ियां जेलां दे तुसीं थावां वेच के ते उत्थे लागे तुसीं बना दित्तियां ने कॉलोनियां बना दित्तियां ते तुहानूं इक मैं वी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसे दिन फिरोजपुर जेल अमृतसर जेल इहो जिहियां 3-4 जेलां तुसीं कैमरे लैके विजिट करके आओ जेल दी दीवार तो उपर 3-3 मंजिले उहनां दे घर बणे उहनां दी जिहड़ी थ्रोइंग आ उहनूं किवें रोकिया जा सकदा इहदे बारे असीं हल कढ रहे हां। जेलां जिहड़ियां ने ये जरूर मैं तुम सवाल ये कर सकते थे कि जी तुम मोबाइल फड़ते क्यों नहीं तो ये तुम कहोगे जी तुम मोबाइल फड़ दो वधिया काम कर रहे हो तो जेल डिपार्टमेंट वधिया तरीके चल रहा तो इस करके फड़ रहे छड़ नहीं रहे ये तुम मैं दस दिता तुम मेनू पूछने की बजाय किस दिन फिरोजपुर जिन्हें जेलों ने ना इन्होंने आले दुआले चक्कर लुधियाना जेलों के दुआले भी चक्कर ला के आओ तो उन्होंने जोड़े कर्जे ने उच्चे ने तो गवर्नमेंट ने जी पिछली गवर्नमेंट सी उन्हें यह चाहिए सी कि ये जिहड़ियां थावां ने हुण गुरदासपुर जेल आ उहदा भी जिहड़े पूड़ा नूं थां वेच के ते पता नहीं किवें उह सरकार चलाउंदे रहे इस करके जेल दे हमेशा दुआले एक एकड़ तक थां खाली होनी चाहीदी आ फिर इहदी सिक्योरिटी पूरी रह सकदी। ये उहनां नूं SSP साहब नूं जे SSP नूं थ्रेट करदे आ तां मतलब कमजोरी है SSP दी उहनूं एक्शन लैणा चाहीदा। ये वेखो बड़ा बड़ा मंदभागी घटना प्रोटेस्ट करना हर आदमी का फर्ज है इदा किसी बेइज्जत करना ये मेरे ख्याल पंजाबियों की फितरत नहीं
कोई भी जो असली पंजाबी है वह करैक्टर कभी नहीं कहेगा कि इस तरह यदि मैं सख्त शब्दों कंडमनेशन कर। मेरी गल सुनो, मैं हमने बोलद बड़ा वधिया कहा कि आप गुंडिया इन्ना ग्लोरीफाई करने से क्यों तुर पे, आप बचा कि गुंडे बचाने पहले ये डिसाइड करके मेरे को किसी दिन आ जाओ बस हूँ ये कर लो कि आप गुंडे बचाने के इन्हों बचा। मेरे ख्याल मैं उदन भी एक दिन अंसारी बारे मेरे को पूछने आए थे, उस दिन मेरी किस चैनल ने नहीं चलाई जरा मैं कहा कि मैं शर्म आ रही है कि गुंडिया ग्लोरीफाई करने सारे फिर रहे हो, तो उन्हें चलाई ही नहीं। ठीक है।